वहीं बुरहानपुर शहर में जहां देखो वहां सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं। अब यह नहीं समझ आता है कि यह गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस लगातार आक्रोश मोड में नजर आई है। वहीं नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने कांग्रेस के पार्षद दल और कांग्रेस के नेताओं की एक बैठक ली, जिसमें 7 दिन का लॉलीपॉप देकर सारे धरने और आंदोलन स्थगित करने की बात की गई है। वहीं किंतु गड्ढे बारिश के मौसम में कितने भी गड्ढे भर जाए वहां पुनः सड़क गड्ढे में ही तब्दील हो जाएगी। वहीं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष व कांग्रेस नेता अजय रघुवंशी ने कहा कि अभी हमने जनहित को देखते हुए आंदोलन स्थगित किया है। आयुक्त महोदय ने 7 दिन का समय दिया, यदि यह समय अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होता तो कांग्रेस पुनः सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। वह जब इस संबंध में नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्षद दल की बैठक ली है, वहीं जिसमें उनकी सड़कों, सफाई और अन्य समस्याओं को शीघ्र ही हल कर निराकरण किया जाएगा। कि आपने शहर की समस्या को लेकर क्या मुलाकात किया? हाँ, सुबह कमिश्नर साहब का फोन आया था कि भाई जो पार्षद लोगों को, फिर मैंने अपने तरफ से फोन करके बुलाया और साहब ने जिसे 7 दिन का समय दिया कि 7 दिन में जो वार्ड में गड्ढे हुए हैं, रोड पे जो गड्ढे हुए हैं उसको नई टेक्निक आई है, वो डामर की बोरी में पैक आता है, उसको मतलब अच्छे से गड्ढे भर के पूरा पैक हो जाएंगे, कहीं भी गड्ढे नहीं रहेंगे। आयुक्त महोदय ने सभी पार्षद साथियों को नियोजन करके बात करने के लिए बुलाया था और सभी ने उन्होंने हमारी जो शहर की मेन समस्या थी, चाहे शहर के गड्ढों से पूरा शहर जो आज परेशान है, शहर में गंदगी का अंबार लगा है, पानी की समस्याएं बिल्कुल, जनता इतने बरसात के बाद भी परेशान है, तो इन हमारी बातों को लेकर कमिश्नर महोदय ने हमें 4 दिन का समय मांगा है कि जो आपका आंदोलन है इस आंदोलन को आप 4 दिन के लिए स्थगित करके शहर में हम कल से ही पेचवर्क का काम और जो गंदगी की व्यवस्था है ये सब व्यवस्थाएं 1 हफ्ते में हम पूरी सुधार देंगे। लगातार शहर में आंदोलन भी चल रहा था और गड्ढे भरने का कार्यक्रम भी चल रहा था कांग्रेस दल की ओर से। कांग्रेस और सत्ता और सभी तब लोग परेशान, पूरा शहर ही परेशान था गड्ढे को लेके, तो कांग्रेस दल के साथ साथ हम सभी लोग उसमें लगे और 3 दिन से लगातार शहर में ये कार्यक्रम चल रहा था। आज कमिश्नर साहब का फोन आया, अध्यक्ष जी को भी आया, नेता प्रतिपक्ष जी को आया, मुझे भी आया कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए, उसी को लेके कविता साहब के कांग्रेस दल के पार्षद सब बैठे और शहर में जो गड्ढे उसकी समस्या बताई, अपने वार्डों की भी समस्या बताई, तो कल से डामर वाला जो नई तकनीक के माध्यम से गड्ढे भरने का काम आया है तो वो कल से काम चालू करेंगे। पहले मुहर्रम वाला जो रोड है, रहमानी वाला जो बैठकी वाला, पहले कल भरेंगे और जहाँ पे मुरुम लगेगा वहाँ मुरुम डाला जाएगा, जहाँ चूरी लगेगी वहाँ चूरी से भरा जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्षद दल की बैठक अभी हुई है और उनके द्वारा शहर की कुछ मूलभूत व्यवस्थाओं को लेके उनके कुछ बिंदु थे, कुछ सड़कों के सुधार के थे, कहीं वाटर सप्लाई को लेके थे, कुछ जगहों पे सफाई को लेकर व्यवस्था, स्वस्थ माहौल में उनसे बातचीत हुई है और जो भी समस्याएं हैं उनकी जल्दी से जल्दी उनका रिव्यू करके और निराकरण करने की। और हमको 7 दिन का उन्होंने आश्वासन दिया कि 7 दिन के अंदर आपकी सारी मांगें मतलब पूरी हो जाएगी और जो व्यवस्था में मतलब जो गड्ढे भरने का काम है ये है अगर हम 7 दिन के अंदर पूर्ण कर देंगे, तो उनको 7 दिन का उन्होंने आश्वासन दिया बुलाकर, इसलिए हमने तब तक के लिए उसको स्थगित किया है। और हमने ये बात उनसे कहकर आया है कि अगर 7 दिन में व्यवस्था सही नहीं हुई तो हमारा जो विरोध प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन है, वो कंटिन्यू जारी रहेगा।